बच्चों आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ फंजाई खत्म हो गया। अब एक नया टॉपिक है लाइकेन। क्या लाइकेन पढ़ेंगे? लाइकेन का अध्ययन एक विज्ञान है, लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी स्टडी ऑफ लाइकेन, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डीलिंग द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ लाइकेन इज नोन एज लाइकेनोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के लाइकेन का अध्ययन करते हैं उसको लाइकेनोलॉजी कहते हैं। अब लाइकेन है क्या? लाइकेन एक पादप संरचना है, प्लांट बॉडी। एक पादप संरचना है, क्या है? प्लांट बॉडी है, जो पादप शरीर। प्लांट बॉडी जो शैवाल और कवक से, किससे? शैवाल, एल्गी और फंजाई। शैवाल, एल्गी का कहते हैं शैवाल कहते हैं, और फंजाई को क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। तो लाइकेन एल्गी और फंजाई दोनों के मिलने से बना होता है। शैवाल का जो हिस्सा होता है उसको फाइकोबियंट, फाइकोबियंट, और जो कवक का हिस्सा होता है उसको माइकोबियंट। इसको शैवलांश, शैवलांश, और इसको कवकांश, कवकांश कहते हैं। अर्थात शैवलांश और कवकांश, शैवलांश और कवकांश, फाइकोबियंट और माइकोबियंट। हम लोग जानते हैं कि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो बच्चों यह एक पादप संरचना है जो शैवाल और कवक से मिलके बनी होती है। शैवाल वाला जो हिस्सा होता है लाइकेन में उसको फाइकोबियंट, शैवलांश, और जो कवक वाला हिस्सा होता है उसको माइकोबियंट, जो है कवकांश के नाम से जाना जाता है। इसमें आगे के क्रम में जो शैवाल वाला भाग होता है, जो फाइकोबियंट, एल्गल जोन जो होता है, इसमें पर्णहरिण पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और जो दूसरा भाग फंगल जोन होता है वह जल H2O और मिनरल, जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है। अवशोषण, जल एवं खनिज लवण का क्या करता है? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण का कार्य करता है। अर्थात फंगल जोन रूट के रूप में और एल्गल जोन जो है स्टेम के रूप में पर्णहरिण की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषी भाग होता है। इस तरह से ये लाइकेन का भोजन बन जाता है। क्या हो जाता है? लाइकेन का भोजन बना लेते, लाइकेन के लिए भोजन बनते हैं, और इस कारण यह लाइकेन में शैवाल व कवक, लाइकेन में एल्गी, शैवाल एंड फंजाई, शैवाल और कवक दोनों सहजीवन के रूप में, सहजीवन, सहजीवन के रूप में, जीवन के रूप में
जीवन व्यतीत करते हैं, सिंबियासिस, सिंबियोसिस, सहजीवन के रूप में साथ साथ जीवन बिताने की क्रिया, सिंबियोसिस सहजीवन। तो ये लाइकेन की संरचना रही। लाइकेन एक ऐसा पादप संरचना है जो शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। बच्चों इस पर एक स्टोरी है, जैसे एक लंगड़ा और एक अंधा। अंधा की उपाधियां कवक से और लंगड़े की उपाधि जो है शैवाल से दी गई है। तो अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाता है और दोनों की यात्रा पूरी हो जाती है। उसी तरह से माइकोबियांट और फाइकोबियांट, कवकांश और शैवालांश के मिलने से एक पादप संरचना, एक प्लांट बॉडी बनती है जो लाइकेन कहलाता है, और उसका अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। अब इसके लक्षण, साइलेंट फीचर, विशिष्ट लक्षण इसके क्या हैं? विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण इसके, साइलेंट फीचर, साइलेंट फीचर इसके, फीचर, साइलेंट फीचर इसमें सबसे पहला इसका लाक्षणिक गुण है कि लाइकेन में कवक व शैवाल किस रूप में होते हैं? सिंबियोसिस, सहजीवन के रूप में, सहजीवन, सिंबियोसिस, सिंबियोसिस सहजीवन के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। और इसकी प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी जो होती है सुकाय, थाइलस जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? थाइलस, सुकाय, थाइलस के रूप में होती है। किस रूप में होती है? थाइलस के रूप में होती है, इसी को कहते हैं सुकाय। इसकी पादप संरचना थाइलेसॉइड होती है। दूसरा इसका लक्षण है, लाइकेन में फोटोसेंस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है एल्गल जोन में होती है। फोटो सिंथेसिस की क्रिया जो होती है एल्गल जोन में, एल्गल जोन में होती है। किसमें होती है? शैवलांश में होती है, शैवलांश, एल्गी वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और कवक वाले भाग में जो है, और अवशोषण, अवशोषण की क्रिया जो होती है वो फंजाई जोन, फंगल जोन, कवकांश, कवकांश, कवकांश वाले भाग में, कवक वाले हिस्से में होता है। अब तीसरा इसका लक्षण है कि थाइलस संरचना के आधार पर, थाइलस संरचना, थाइलस के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला है क्रस्टियोज, क्रस्टियोज लाइकेन, क्रस्टियोज, इसको हिंदी में पर्टिमोय कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? टीमय। और दूसरा होता है जो, वह फोलियोज, फोलियोज होता है। क्या होता है? फोलियोज पत्ती नुमा ये संरचना होती है लाइकिन की। और तीसरा प्रकार जो होता है वो फ्रक्टियोज होता है, फ्रक्टियोज। ये फ्रक्टियोज संरचना जो है फलन युक्त होती है। क्या होती है? फलन युक्त, फ्रूटिंग बॉडी, फलन युक्त। तो थाइलस के आधार पर, थाइलस के आधार पर, प्लांट बॉडी के आधार पर लाइकेन कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। चौथा इसका लक्षण है कि लाइकेन में जो जनन होता है एसेक्सुअल, अलैंगिक एंड सेक्सुअल, लैंगिक जनन दोनों पाया
जाता है। लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों पाया जाता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये लैंगिक जनन होता है, वो फंगल पार्ट में, कवक वाले हिस्से में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन जो है, कवक वाले हिस्से में पाया जाता है, शैवाल वाले हिस्से में नहीं पाया जाता है। और पांचवा इसका है कि लाइकेन जो होते हैं गुड इंडिकेटर होते हैं एयर पॉल्यूशन के, लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर, गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। ये वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। क्या होते हैं? वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। तो लाइकेन में अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन कवक वाले हिस्से में होता है, कवकांश में होता है। लाइकेन आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। अर्थात जब एयर पॉल्यूटेंट बढ़ता है तो लाइकेन की ग्रोथ अधिक होती है, इससे पता चलता है कि वायु प्रदूषण है। थैंक यू।